गाइज पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से स्थान हैं जिन्हें आज भी रहस्यमय माना जाता है। इनके रहस्यों से आज तक वैज्ञानिक भी पर्दा नहीं हटा पाए। आज हम जिस रहस्यमय स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं वह पूर्वी साइबेरिया में है। दरअसल यहाँ स्थित एक खदान को रहस्यमयी माना जाता है जो विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खदान है जिसका नाम है मिर्नी डायमंड माइन। मिर्नी डायमंड माइन दुनिया की पहली ऐसी हीरे की खदान है जो खुली हुई है। यह खदान 1722 फीट गहरी और 3900 फीट चौड़ी है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मानव द्वारा बनाया गया एक होल है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पहले नंबर पर बिंघम कॉपर माइन है। इस माइन को 13 जून 1955 को सोवियत भूवैज्ञानिकों की एक टीम ने खोजा था। इसे खोजने वाले दल में यूरी खबरदीन, एकातेरिना एलाबिना और विक्टर एवदीन को शामिल थे। इसे खोजने के लिए सोवियत जियोलॉजिस्ट यूरी खबरदीन को 1957 में लेनिन प्राइज दिया गया था। उसके बाद 1957 में इस माइन का विकास कार्य शुरू किया गया। यहाँ साल के ज्यादातर महीनों में मौसम बेहद खराब रहता है। सर्दियों में यहाँ तापमान इतना गिर जाता है कि गाड़ियों में तेल भी जम जाता है और टायर भी फट जाते हैं। इसे खोदने के लिए कर्मचारियों ने जेट इंजन और डायनामाइट का इस्तेमाल किया था। रात के समय इसे ढक दिया जाता था ताकि मशीनें खराब ना हो जाए। इस खदान की खोज के बाद रूस हीरे का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया था। इस खदान से हर साल 10 मिलियन कैरेट हीरा निकाला जाता था। यह खदान इतनी विशाल है कि कई बार इसके ऊपर से गुजरने वाले हेलीकॉप्टर नीचे की ओर हवा के दबाव से इसमें समा चुके हैं। इसके बाद से इसके ऊपर से हेलीकॉप्टर्स के गुजरने पर पाबंदी लगा दी गई। इस तरह के घटनाओं के घटते रहने की वजह से साल 2011 में इस खदान को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो गाइज दुनिया की इस सबसे रहस्यमय खदान के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।